मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ के नारी सम्मान योजना के आवेदन फॉर्म अब ठेले पर दिखने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि नारी सम्मान योजना के आवेदन फॉर्म पर कचौड़ी और समोसे बेचे जा रहे हैं। गजब की बात तो ये है कि जिस फॉर्म में लोगों की जानकारियां लिखी हुई हैं और जो फॉर्म भरे हुए हैं उसी में कचौड़ी परोसी जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि नारी सम्मान योजना का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी ने जनता से अपील की है कि कांग्रेस के छुटभैया नेता के छलावे में ना आए, अपनी निजी जानकारी, बैंक डिटेल और आधार नंबर कांग्रेस के नेताओं को नहीं सौंपे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग आवेदन फॉर्म पर कचौड़ी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। शहर भी तेरा, घर भी तेरा। पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म के डायलॉग को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। उधर राजगढ़ में क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी दी है। कर्णी सेना ने आदिपुरुष के डायरेक्टर को चेताते हुए कहा कि फिल्म के डायरेक्टर को घर में घुसकर मारेंगे। हम तो ये जो भी आदिपुरुष फिल्म आई है सामने, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे, हाथ में आया उठ देंगे हम। वो फिल्म के भाषा और डायलॉग का विरोध करते रहते हैं। वहीं कर्णी सेना के सदस्य फिल्म के डायरेक्टर की तलाश में जुट गए हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि जब फिल्म का विरोध ट्रेलर के वक्त ही हुआ था तो फिर फिल्म को सेंसर बोर्ड ने किस आधार पर पास किया। साधु के साथ बहरेमी इस मारपीट की तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां परम धाम के साधु के साथ रैन बसेरा चलाने वालों ने बुरी तरह से पिटाई की। पहले तो साधु को बीच सड़क पर घसीटा, फिर पास के घर में ले गए और गेट बंद किया, फिर शुरू कर दी पिटाई। पूरी तस्वीर का सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग एक साधु को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं, साथ साथ एक महिला भी जा रही है जो बीच बीच में साधु को पीट रही है, फिर उसे सामने वाला एक घर में ले जाते हैं जहां साधु के साथ मारपीट की जाती है। साधु ने सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर रोज सड़क दुर्घटना में 415 लोगों की मौत हो जाती है। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए विभाग के द्वारा आए दिन निर्देश जारी किए जाते हैं। अब सड़क दुर्घटना की खबर मुरैना से आई है, जहां दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 की मौत हो गई तो वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल है। मामला रिठौरा थाना क्षेत्र के बिसैठा नहर का बताया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइकों के बीच कितनी जोरदार टक्कर हुई होगी। सड़कों पर बिखरा ये मलबा बाइक के पार्ट्स हैं जो बिखरा पड़ा है। पक्षियों की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन पर्यावरण में असंतुलन की वजह से ये प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पर्यावरण पक्षियों के अनुकूल होने की वजह से नई प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं। अब गरियाबंद के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में चिड़िया की 11 प्रजाति मिली है। वन विभाग को टाइगर रिजर्व में व्हाइट बेलेड वुडपेकर चिड़िया की प्रजाति मिली है, जिससे विभाग में खुशी की लहर है। वन विभाग की टीम और नोवा नेचर वेलफेयर इस चिड़िया के संरक्षण में लग गए हैं। जापान और कोरिया में विलुप्त हो रही चिड़िया की प्रजाति उदंती टाइगर रिजर्व में मिली है। क्षेत्रीय भाषा में इस पक्षी को कठफोड़वा कहा जाता है।
इंसानों की लड़ाई में मौत की खबरें तो सुनी होंगी, जानवरों की भी आपसी लड़ाई में जान जाती है। आज एक ऐसी ही खबर सामने आई है। खबर दमोह से है, जहां नौरादेही वन्य प्राणी अभयारण्य में बाघों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि एक बाघ की मौत हो गई। अभयारण्य के अधिकारियों की मौजूदगी में बाघ का अंतिम संस्कार किया गया। 5 दिन पहले बाघों की लड़ाई में बाघ N2 गंभीर रूप से घायल हो गया था। पन्ना के डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन उसकी मौत हो गई। लड़ाई में बाघ N2 का जबड़ा और आंख के पास का हिस्सा काफी चोटिल हुआ था, और पन्ना से डॉक्टरों की टीम आकर हाथी दल के साथ उसका इलाज कर रही थी। देश के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिन तक गर्मी का सितम जारी रहेगा। जांजगीर का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है, तो वहीं रायगढ़ का तापमान 45.7, मुंगेली 44.9, रायपुर 43.3, बिलासपुर 43.6, दुर्ग का तापमान 43.8, जगदलपुर का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, और झुलसा देने वाली गर्मी का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में जंगल भरा पड़ा है, और जहां जंगली एरिया होता है वहां सांप निकलना कोई बड़ी बात नहीं। जगदलपुर में एक सांप के रेस्क्यू की तस्वीर सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहरीला सांप कैसे फुंकार रहा है। दरअसल केशलूर गांव के एक घर में नाग दिखाई दिया, जिसके बाद घर वाले वहां से भाग खड़े हुए। स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची स्नेक रेस्क्यू टीम 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ने में कामयाब हुई। तस्वीरें देखिए। रेस्क्यू के वक्त कैसे सांप फुफकार मार रहा था, वहीं सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। मौसम का मिजाज बदलते ही जमीन में रेंगने वाली मौत का निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो कहीं किचन के फ्रीज के नीचे, तो कभी बेडरूम में, तो कभी सोफे में निकलने की खबरें आती रहती हैं। ऐसा ही मामला फिर बीती रात देखने को मिला। कोरपा के भालूसटका गांव में एक बार फिर एक घर में कोबरा निकला है। घर के आंगन में परिवार काम कर रहा था, इस दौरान आंगन में करीब 5 फीट का कोबरा दिखा, जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। सड़क हादसे की एक और तस्वीर अंबिकापुर से सामने आई, जहां बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके से हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। तस्वीरों में बस की स्थिति आप देख सकते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार हुई होगी। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और गर्मी की वजह से स्कूल्स के समय में बदलाव किया गया है। प्राइमरी स्कूल अब 1 जुलाई से खुलेंगे, वहीं 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं 20 जून से सुबह की पाली में चलेंगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने निर्देश जारी किए हैं,
उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए प्राथमिक कक्षाओं की छुट्टी को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मुंबई के फाइव स्टार होटल ट्राइडेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आग होटल के ऊपरी मंजिल पर लगी थी। यह घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी थी। हालांकि होटल में पहले से मौजूद आग बुझाने के सिस्टम का इस्तेमाल कर स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। आग होटल के ऊपरी मंजिल में लगी होने की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आग लगने के कारणों की जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया ग्रामीण क्षेत्र की एक होनहार बेटी ने, जो बिना कोचिंग गए नीट की परीक्षा भी पास कर ले गई। दुर्ग जिले का एक ऐसा गांव जहां दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है, जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और जिस परिवार को आज के समय में मोबाइल फोन तक नसीब नहीं, उस परिवार की होनहार बेटी ने नीट एग्जाम में शानदार प्रदर्शन किया। ग्राम डूमरडीह निवासी यमुना चक्रधारी के अनपढ़ माता पिता ईंट भट्टे में काम करते हैं, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी को ट्यूशन क्लास तक लगवा सकते और पढ़ाई के लिए एक स्मार्टफोन ही दिलवा देते। इसके बावजूद उनकी होनहार बेटी ने नीट एग्जाम पास कर लिया और अब वो डॉक्टर बनने जा रही है। यमुना चक्रधारी ने ऑल इंडिया नीट एग्जाम में 720 में से 516 अंक प्राप्त किए हैं। ऐसी बेटी को सलाम है। इन दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जुआरियों पर पुलिस की नजर है। मध्य प्रदेश पुलिस शिकंजा कसने के लिए आए दिन नए रणनीति के साथ धरपकड़ में लगी हुई है और इसी कड़ी में भोपाल में देर रात पुलिस ने जुए के अड्डे पर रेड डाली। गुनगा थाना क्षेत्र में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई एसडीओपी मंजू चौहान की अगुवाई में हुई, जिसकी भनक टीआई तक को नहीं लगी। मामले में 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 3 आरोपी भाग निकले। इस रेड में रायसेन के कई बड़े रसूखदार भी गिरफ्तार हुए हैं। इस कार्रवाई में 1,00,000 से ज्यादा का कैश, कई लग्जरी कार, आधा दर्जन बाइक बरामद की गई। यह हाई प्रोफाइल जुआ लंबे समय से चल रहा था, जिस पर अब जाकर के कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ अब टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसी क्षेत्र में बस्तर में टूरिज्म को बढ़ावा देने और बस्तर की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए 2 दिनों का बस्तर देखो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे 80 बाइक राइडर 350 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। बाइक राइडर्स बस्तर के चित्रकूट, तीरथगढ़, बांसूर और अबूझमाड़ के कुछ इलाकों से गुजरेंगे। बाइक राइडर्स बस्तर के पर्यटन स्थल और जंगल में नाइट कैंप करेंगे। बाइक राइडर्स की टीम जगदलपुर से बस्तर आईजी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लखनऊ शहर से कुछ ही दूर फैजाबाद रोड पर एक अनोखा रेस्तरा है। घनी छाव नाम के इस रेस्तरा में कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा कि किसी गांव में आ गए हैं। इस रेस्तरा में पूरा गांव बसता है। घनी छाव को लखनऊ में खुले हुए 2 साल हो चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर एसी नहीं है। इसके बाद भी यहां पर आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसे पूरी तरह से गांव का रूप दिया गया है। यहां जमीन पर बैठकर खाना खाने की परंपरा है। बड़ी बड़ी लाइट की जगह लालटेन का इस्तेमाल किया गया है। खुले आसमान के नीचे हैंडपंप का पानी पीते हुए भी आप यहां पर खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां पर डिजाइनिंग स्टाइलिश कुर्सी टेबल नहीं है, बल्कि सीधे लकड़ी की बैठने की व्यवस्था है। टेबल भी लकड़ी के हैं।
यहाँ झूमर की जगह झाड़ू लटकी हुई है। घनी छांव की खासियत यह है कि यहाँ पर 25 तरह के पराठे खाने के लिए मिलते हैं। पराठे की कीमत 62 रुपए से लेकर 87 रुपए के बीच में है। छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क पूरी दुनिया में अपने खास टेक्सचर के लिए जाना जाता है। जांजगीर चांपा जिला कोसा कांसा कंचन के नाम से विख्यात है। यहाँ के कारीगरों द्वारा निर्मित कोसा कपड़ा दुनिया भर में विख्यात है। इसकी प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में विदेशी पर्यटकों के आगमन के साथ ही यहाँ का कोसा सिल्क साड़ियों के निर्यात में दिनों दिन बढ़ोतरी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा और जांजगीर चांपा जिले में मुख्य रूप से कोसा सिल्क तैयार किया जाता है। ये बेहद मजबूत होता है और पूरी दुनिया में अपने नर्म कपड़े के लिए जाना जाता है। ये सिल्क के सबसे शुद्ध प्रकारों में गिना जाता है। इसकी खासियत इसका रंग है। कोसा सिल्क प्राकृतिक रूप से हल्के गोल्डन रंग में मिलता है, जिसे पलाश लाख और गुलाब की पंखड़ियों से बने रंगों से डाई किया जाता है। पारंपरिक रूप से कोसा से सिर्फ साड़ियां बनाई जाती थीं, लेकिन अब इससे लहंगे भी बनाए जाते हैं। विदेशों में कोसा सिल्क के कपड़ों से कई तरह के डिजाइनर वेस्टर्न आउटफिट्स भी तैयार किए जाते हैं। जब भी झांसी की रानी का जिक्र होता है तो ग्वालियर का जिक्र होना स्वाभाविक है, क्योंकि जंग आजादी की सबसे बड़ी आहुति वीरांगना को वीरगति ग्वालियर की धरा पर ही हुई थी। ग्वालियर में उनकी 165वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसी के तहत वीरांगना की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर झांसी से मशाल ग्वालियर पहुंची है। महाराज बाड़ा पर बलिदान मेला के संस्थापक पूर्व मंत्री जयभान सिंह पावैया के साथ हजारों लोगों ने शहीद ज्योति की अगवानी की। महाराज बाड़ा से शहीद ज्योति बलिदान भूमि लक्ष्मीबाई समाधि पहुंची। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ज्योति को रानी की समाधि